कोरोना की तीसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। इसी बीच मोदी सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन ठाकुर, एबीपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम युवाओं से चर्चा करेंगे आने वाले बजट को लेकर। आप देख सकते हैं युवा वर्ग मौजूद है, जहां पर हम उनसे चर्चा करेंगे क्या चाहते हैं इस बजट से। जो मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, इसको लेकर क्या आप चाहते हैं? सरकार से आशा है कि अच्छा ही बजट आएगा, जैसे विगत वर्षों में आया। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, अच्छा ही बजट लाएंगे युवाओं को और सभी को ध्यान में रखते हुए, और घरेलू बजट को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट आएगा। हमारे साथ सुशील मालवीय जी। सुशील जी, अब युवा हैं, इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? मैं सरकार से एक ही निवेदन करता हूं कि जो बजट पेश करेंगे उसमें युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो है काफ़ी मतलब युवा जो है बेरोजगार है, 2 साल से कोरोना की मार झेल रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है, धंधा पानी जो प्राइवेट कंपनियां में कर रहे थे वो सब चौपट हो गया है, तो कहीं ना कहीं युवा बहुत परेशान है। तो सरकार को जो है युवाओं पर इस बजट में ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ राही गुप्ता भी मौजूद हैं। राही, युवाओं को लेकर ये जो बजट पेश होने वाला है, इसको क्या चाहते हैं युवा वर्ग के लिए? फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी से यही चाहूँगा कि जो अपना इनकम टैक्स एक्ट की जो अपने डिडक्शन की 80C की लिमिट है, वो उसे बढ़ाना चाहिए, 3 लाख तक करना चाहिए। दूसरी चीज़, इंडस्ट्रीज़ को लेकर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, जो अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को बहुत इजी वे में और प्रोडक्शन बढ़े, अपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़े, उसके लिए एक ईजी वे में एक प्रोसेस होना चाहिए। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए, या सीजे के लिए आगे बढ़ना चाहिए अपने को। तो ये युवा वर्ग के लोग थे जिनसे हमने बात की, इनका मानना है कि जो बजट पेश होना है उसमें सबसे ज़्यादा रोजगार और बिजनेस और जो बेरोजगारी वो खत्म होना चाहिए। एबीपी न्यूज़ के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।